वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। नया साल 2021 अपने साथ बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। आपके घर का कैलेंडर ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी चीजें 1 जनवरी 2021 से बदलने वाली हैं। कोरोना काल में नए साल का जश्न भले ही फीका रहे, लेकिन आपकी जिंदगी में इस साल भी कई बड़े बदलाव होंगे। अगर आप इन बदलावों को लेकर पहले से तैयार रहते हैं तो आपका फायदा होगा। गाड़ियों पर 1 जनवरी से फास्टैग लगाना जरूरी है। गाड़ियों पर 1 जनवरी 2021 से टोल पार करने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। बिना फास्टैग के नेशनल हाईवे टोल पार करने वाले चालकों को दोगुना चार्ज देना होगा। फिलहाल सभी टोल प्लाजा पर 80% लाइनों को फास्टैग और 20% लाइनों को कैश में इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 जनवरी से सभी लाइनें फास्टैग हो जाएंगी। अपने फास्टैग अकाउंट में कम से कम 150 रुपये की राशि रखनी होगी, नहीं तो फास्टैग को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। 1 जनवरी से बदल जाएंगे चेक से भुगतान के नियम। 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इसके तहत 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। पॉजिटिव पे सिस्टम एक ऑटोमेटिक टूल है जो चेक के जरिए धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति ये जानकारी SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस चेक किया जाएगा। अगर इनमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा। कई स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा WhatsApp। WhatsApp 1 जनवरी 2021 से कुछ स्मार्टफोन में काम करना बंद कर देगा। इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों शामिल हैं। WhatsApp पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक iOS 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन पर WhatsApp काम नहीं करेगा। आईफोन 4 या इससे पुराने आईफोन से भी WhatsApp का सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकता है। एंड्रॉयड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन पर WhatsApp का सपोर्ट नहीं मिलेगा। नए साल में मिलेगा ATM जैसा राशन कार्ड। नए साल में राशन कार्ड में बदलाव देखने को मिलेंगे। देश के करीब 81 करोड़ लोगों को अब ATM के तहत स्मार्ट राशन कार्ड बांटे जाएंगे। इसकी शुरुआत बिहार जैसे राज्यों से हो चुकी है। राज्य में स्मार्ट कार्ड बांटे जा रहे हैं। बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत पूरे देश के कार्ड धारकों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में रहे उनको उनके हिस्से का अनाज उसी राज्य में मिलेगा। देश के अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है। इस कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। लैंडलाइन से कॉल करने से पहले जीरो लगाना होगा। 1 जनवरी 2021 से देश भर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। इससे टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 1 जनवरी से पूरे देश में कारों की कीमत में बढ़ोतरी देखी जाएगी। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।